तो दोस्तों मेरे पास जिन जिन भाइयों की डिमांड आ रही थी काफी समय से महिंद्रा बुलेरो गाड़ी के लिए, उन सभी भाइयों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ महिंद्रा की बुलेरो 2014 मॉडल नंबर कार, जो कि ओनर इस गाड़ी को अर्जेंट में बेचने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं एक कम कीमत की कम चली हुई महिंद्रा बुलेरो गाड़ी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स आइए बात कर लेंगे जल्दी से गाड़ी के इंफॉर्मेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप सभी लोगों के भी घर में कोई सेकंड हैंड कार है, अगर आप उसे बेचना चाहते हैं अर्जेंट में जल्द से जल्द, तो आप लोग अपनी गाड़ी की 2 मिनट की वीडियो बनाइए, मेरे दिए गए इस कॉन्टेक्ट नंबर पे अपनी गाड़ी की वीडियो सेंड करिए, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो अब आइए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों जो गाड़ी का मॉडल नंबर है 2014 और वही फ्रेंड्स जो गाड़ी चली हुई है मात्र 80,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ, वही फ्रेंड्स ये सेकंड ओनर कार है और जो गाड़ी का फ्यूल टाइप है वो डीजल और जो गाड़ी का ट्रांसमिशन है वो मैनुअल है, साथ साथ ये यूपी नंबर रजिस्ट्रेशन कार है। और दोस्तों जो इस वक्त गाड़ी खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के अंदर ये गाड़ी खड़ी हुई है। वही फ्रेंड्स जो गाड़ी का कलर है सिल्वर कलर की आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। गाड़ी के ऑल द डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, कार लोन फैसिलिटी गाड़ी पे अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, फिर जो है आप किसी भी जिले या किसी भी स्टेट से क्यों ना हो आप इस गाड़ी को आसान किस्तों पे भी खरीद सकते हैं। तो भाई बात करते हैं जल्दी से गाड़ी की कंडीशन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग कार की कंडीशन देख पा रहे होंगे, गाड़ी जो है आपको लाजवाब कंडीशन में मिल जाती है। गाड़ी पे किसी भी टाइप का कोई भी आपको बड़ा स्क्रेचेस या डैमेजिंग देखने को नहीं मिलेगा। और महिंद्रा बुलेरो गाड़ी की जब बात हो तो दमदार, यानी कि महिंद्रा की जहां बात होती है वहां दमदार गाड़ियों की बात होती है। और वहीं फ्रेंड्स अगर गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो साइड मिरर गाड़ी में परफेक्ट कंडीशन में है, चलते चलते टायर्स आपको गाड़ी के अंदर गुड कंडीशन में देखने को मिल जाते हैं। अगर गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो हेडलाइट्स गाड़ी के अंदर ओरिजिनल कंडीशन में आपको मिल जाती है। वहीं फ्रेंड्स मिडिल में आप सभी को मिल जाता है महिंद्रा का लोगो। अगर गाड़ी के बैक प्रोफाइल के बारे में बात कर ली जाए तो टेल लाइट्स गाड़ी के अंदर आप सभी लोग गुड कंडीशन में देख ही सकते हैं। तो भाई बात करते हैं थोड़ा गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो दोस्तों डैशबोर्ड गाड़ी में परफेक्ट कंडीशन में विद म्यूजिक सिस्टम के साथ, और दोस्तों गाड़ी के अंदर आप सभी को सीट कवर जो है लाजवाब कंडीशन में मिल जाते हैं। नीचे फर्श पे आपको मैट बिछी मिल जाती है। अगर गाड़ी के बैक सीट कवर के बारे में बात की जाए तो वो भी काफी लाजवाब कंडीशन में आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप सभी का प्लान हो रहा है इस महिंद्रा बुलेरो गाड़ी खरीदने का तो आप लोग डायरेक्ट पार्टी यानी कि डायरेक्ट ओनर से गाड़ी खरीद सकते हैं बिना किसी डीलर और बिना किसी मीडिएटर के। बस रिक्वेस्ट आपसे एक ही करूंगा, पहले पेमेंट कभी भी किसी को भी ना करें, सबसे पहले जाएं ओनर से जाके मिलें, बार्गेनिंग करें, गाड़ी चला के देखें, उसके बाद ही ओनर को डायरेक्ट पेमेंट करें। मैं हमेशा ये आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि मार्केट में काफी सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं सेकंड हैंड कार को लेके, उनसे बचें। तो दोस्तों अब आइए बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग इस गाड़ी को अगर लोन पे खरीदने का प्लान करेंगे तो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी 35,000 रुपए, बाकी की आप छोटी छोटी ईएमआई पे आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी लोग इस गाड़ी को अगर कैश में खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जो मेरे पास ओनर की डिमांड आई है 3,30,000 रुपए की, निगोशिएबल प्राइस है। आप लोग डायरेक्ट ओनर से बात करिए और डायरेक्ट ओनर से ही इस गाड़ी को परचेज करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।